नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम भाग्य चक्र में और आपके साथ मैं हूं दीपा पाफिला। आज हमारी चर्चा का विषय है सावन में नामाक्षर के हिसाब से कैसे करें भोलेनाथ की पूजा, कैसे महादेव को खुश कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे 12 राशियों का हाल। और इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य धनंजय जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। सावन महीने का पहला सोमवार आज है और धार्मिक मान्यता ये है कि सोमवार का व्रत करने से हर व्रती को दुख, कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलता है और वो सुखी, निरोगी, समृद्ध जीवन का आनंद पाती है। सावन के महीने में सोमवार को जो भी पूरे विधि विधान से शिव की आराधना करता है, जो पूजा करता है, वो शिव जी का विशेष आशीर्वाद पा लेता है। इस दिन व्रत करने से बच्चों की बीमारी दूर होती है, दुर्घटनाओं पर रोक लगती है, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। ऐसे में सावन में नामाक्षर के हिसाब से पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण और इसके क्या मायने हैं, कितना ये महत्वपूर्ण है, ये गुरु जी आपको बताएंगे। जी, सावन का सोमवार अपने आप में बहुत ही विशिष्ट होता है। सोमवार के दिन सावन हो या ना हो, वैसे भी पुरातन काल से हर सोमवार को भगवान शिव जी की आराधना करने का विधान है, लेकिन सावन मास में सोमवार का दिन अपने आप में ही विशेष हो जाता है, क्योंकि एक तो सावन पूरा महीना ही भगवान शिव जी का है और ऊपर से सोमवार जो कि शिव जी की उपासना के लिए विशिष्ट तिथि के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव जी की आराधना में शहद से अभिषेक करना अपने आप में विशिष्ट माना गया है और बड़ा ही सरल सा मंत्र जो मैं सदैव आप सभी जातकों को बताता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बात और मैं आप सभी जातकों को बताना चाहता हूँ कि शिव जी की आराधना का ये जो विशिष्ट जो अभिप्राय है, खास करके सोमवार के लिए, जितने भी जातक किसी भी प्रकार का कष्ट हो, शोक हो, पीड़ा हो, भय हो, चिंता हो, सब कुछ, सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव जी महारुद्र हैं और सभी रुद्रों के अधिपति। इस धरती पर कहा जाता है कि जितने भी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक, दुख, पीड़ा, भय, चिंता है, ये सब कुछ भगवान शिव जी के गणों के माध्यम से आती है और शिव जी मृत्यु के देवता कहे जाते हैं और इसीलिए उनका नाम महामृत्युंजय देव है। शिव जी की आराधना करने वाला जो जातक होता है वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। धरती पर कोई भी कष्ट उस जातक को प्रभावित और पीड़ित नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव हो, या मांगलिक दोष से जातक पीड़ित हो, या विवाह शादी में कोई विघ्न बाधा आ रही हो, या परिवार में कोई संकट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कलह आपको पीड़ित कर रहा हो, शिव जी का अभिषेक करिए और शिव जी का जलाभिषेक आप गंगा जल से भी कर सकते हैं, स्वच्छ जल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कई प्रकार की सामग्रियां हैं, जैसे गन्ने का रस है उससे भी कर सकते हैं, शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित कर सकते हैं, तुलसी जी का पत्र अर्पित कर सकते हैं, समी पत्र अर्पित कर सकते हैं, शहद से उनका अभिषेक किया जा सकता है, अलग अलग कई प्रकार की विधाएं। लेकिन बड़ी ही सरलता के साथ यदि आप बिल्व पत्र पर राम नाम लिख दें और उसको उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पित कर दें, भगवान शिव जी को यह बहुत ही प्रिय है। बिल्कुल, वैसे भी गुरु जी कहते हैं कि महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और जब सावन का सोमवार होता है तो अपने आप में वो खास हो जाता है। लेकिन अब नामाक्षर के आधार पर जानते हैं ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट वालों को क्या क्या उपाय करने होंगे जिससे वो महादेव को खुश कर पाए। जी बिल्कुल, आरम्भ करते हैं नामाक्षर में ए से। बिल्व पत्र पर चंदन से राम नाम लिख करके शिव जी पर अर्पित करें। ए नाम के जातक विशेष रूप से आपके लिए यह प्रयोग लाभकारी होगा।
तुलसी मंजरी के साथ शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। बी नाम से जिन जिन जातकों का नाम है उनके लिए शुभ रहेगा। जल में शहद मिलाकर के शिव जी का अभिषेक करिए, जिनका भी नाम सी अक्षर से आरंभ हो रहा है आपके लिए ये शुभ रहेगा। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप जिनका नाम डी अक्षर से शुरू हो रहा है उन सभी जातकों के लिए है। हरे रंग के वस्त्र पहन करके हरा फल शिव जी को अर्पित करिए, जिनका नाम ई अक्षरों से आरंभ हो रहा है। जल में कपूर मिला करके शिव जी का अभिषेक करिए, जिनका नाम एफ अक्षर से आरंभ हो रहा है। जिनका नाम जी अक्षर से है शिव महिम्न स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करिए, जी अक्षर के जातक आपके लिए शुभ फलदायी होगा। रुद्राष्टक का पाठ नियमित रूप से जिनका नाम एच अक्षर से है उनके लिए शुभ रहेगा, एच अक्षर के जातक आपको ये पाठ करना है। आई अक्षर जिनके नाम में है उनको दही से गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना है, आई अक्षर के जातक आपको अभिषेक करना है। जे अक्षर के जातक शिव तांडव स्त्रोत का संध्या के समय नियमित रूप से पाठ करिए, जिन जिन जातकों का नाम के अक्षर से है शिवलिंग पर गंगा जल के साथ बेल अर्पित करिए, के अक्षर के जातक आपको ये प्रयोग करना है। कच्चे दूध में केसर मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करना है, एल अक्षर से जिनका नाम आरंभ हो रहा है आप सभी जातकों को ये प्रयोग करना है। नारियल के तेल से एम अक्षर के जातकों को भगवान शिव जी की पूरी पूजन की प्रक्रिया को संपन्न करना है। एन अक्षर के जातक शिव जी पर पीले रंग के पुष्प अर्पित करिए, एन अक्षर से जिन जातकों का नाम है। अब इसके बाद एन अक्षर के बाद हम लोग भगवान शिव जी की आराधना ओ अक्षर के जातक कैसे करेंगे, कच्चे दूध में मिश्री मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। ओ अक्षर के जातक आपको मिश्री का प्रयोग करना है, लाल पुष्प और धतूरा शिव जी को पी अक्षर के जातकों को अर्पित करना है, पी अक्षर के जातक आपको ये प्रयोग करना है। क्यू अक्षर के जातक चमेली का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करिए, श्रावण मास में आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। जूही के पुष्प आर अक्षर के जातक भगवान शिव जी को अर्पित करेंगे। अगस्त के फूल जो एस अक्षर के जातक है उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, आपको अगस्त का फूल शिव जी को अर्पित करना है, एस अक्षर के जातक। टी अक्षर के जातक आपको शेफालिका का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करना है, टी अक्षर के जातक आपको यही प्रयोग करना है। यू अक्षर के जातक किसी गरीब व्यक्ति को आपको श्रावण में भोजन कराना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही शुभ उपाय है। वी अक्षर के जातक आपके लिए अलग अलग प्रकार के अनाज का भोग लगाना शिव जी की आराधना में शुभ रहेगा। डब्लू अक्षर के जातक कनेर के पुष्प से शिव जी की आराधना करिए, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। एक्स अक्षर के जातक गेहूं से बने पकवान शिव जी को अर्पित करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। वाई अक्षर के जातक मूंग से शिव जी की आराधना करिए, वाई अक्षर के जातक आपको ये प्रयोग करना है। वाई अक्षर के बाद जड अक्षर के जातक बिलपत्र पर चंदन से राम नाम लिख करके शिव जी को अर्पित करिए। बिल्कुल, ये तो नामाक्षर के आधार पर गुरुजी ने आपको उपाय बताया, अगर ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पर महादेव आपसे खुश हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी, जो किसी स्वास्थ्य कारणों से या फिर बिजी दिनचर्या होने की वजह से अगर व्रत नहीं रख पाते तो उनको क्या कुछ खास उपाय करने होंगे? कई दफा तो घर वाले ये भी कहते हैं अगर व्रत नहीं रखोगे तो महादेव नाराज हो जाएंगे। ये अक्सर होता है कि जातकों पर दबाव रहता है, स्वयं का मन स्वयं का हृदय भी करता है कि मैं व्रत रखूं और नियम से अनुशासन से शिव जी की आराधना करूं। कई जातक नंगे पैर कांवर लेकर के जाते हैं शिव जी का अभिषेक करने के लिए, लेकिन यदि स्वास्थ्य के कारणों की वजह से, स्वास्थ्य के प्रभाव की वजह से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसा कि मैंने उपायों के क्रम में बताया कि किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, कोई बीमार है उसकी सेवा कर लीजिए, या घर के अंदर ही भजन कीर्तन कर लीजिए, प्रभु का नाम सुमिरन कर लीजिए, ये पूजन के बराबर ही समतुल्य ही माना जाएगा। अपनों से बड़ों का सम्मान करिए, वृद्धों की सेवा करिए, मानवता की रक्षा करिए।
गुरु जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी कि अगर हम महादेव की पूजा सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर सकते हैं? बिल्कुल, संध्या का समय तो सर्वोत्तम माना गया है, बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों ही वक्त हम पूजा कर सकते हैं? पूजा करने के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं? कोई पाबंदी शिव जी की आराधना में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, तो सावन का पूरा जो सोमवार है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अब बात करते हैं राशियों की, 12 राशियों का हाल हम जानेंगे। शुरुआत में तीन राशियों का जिक्र करते हैं, मेष, वृष और मिथुन राशियों के जातकों को आज क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ नहीं करना होगा, उनके लिए क्या कुछ खास उपाय होंगे वो भी गुरु जी आपको बताएंगे। आरंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातक, आज आप मनोरंजन तथा घूमने फिरने में समय व्यतीत करेंगे, धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऐसा प्रबल योग है। करियर के संबंधित क्षेत्रों में तरक्की मिलने का प्रबल योग बन रहा है। मेष राशि के बाद अब हम चर्चा करेंगे वृष राशि की। आज आधुनिक सुख संसाधनों को जुटाने में आपकी रुचि रहेगी, प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद मिलन रहेगा, माँ के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे। मिथुन राशि के जातक, बौद्धिक प्रवृत्तियों में शामिल होना आपके लिए आनंददायी होगा, दाम्पत्य जीवन सुखकारी रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब चलिए इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह और कन्या राशियों के जातकों को आज क्या कुछ खास उपाय करने होंगे ये भी गुरु जी आपको बताएंगे। जी, आरंभ करते कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, आज आप अपनी कल्पना शक्ति को अच्छी तरह से उसका बोध करेंगे और उसका प्रयोग भी करेंगे। स्वजनों से वाद विवाद हो सकता है, कारोबार को विस्तृत करने के लिए शुभ योजना का शुभ समय है। सिंह राशि के जातक, संबंधित सेवा व व्यापार के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, स्वयं को भाग दौड़ के लिए बाध्य नहीं करना है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि की अब हम लोग चर्चा करते हैं। आजीविका के संबंधित क्षेत्रों में उन्नति आपके लिए थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन शीघ्र ही शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य के मामले में आपको राहत मिल सकती है। आजीविका के क्षेत्र में जो आपकी आमदनी का रास्ता है उसमें थोड़ी कठिनता जटिलता हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, अब आगे की तीन राशियों का जिक्र करते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों के जातकों को क्या कुछ खास उपाय करने होंगे जो उनके लिए लाभकारी होंगे ये भी गुरु जी बताएंगे। जी, आरंभ करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातक, अचानक ही कहीं लंबी यात्रा में जाना पड़ सकता है, धनार्जन की स्थिति में सुधार संभव है, इसके साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य थोड़ा सा सुस्त रह सकता है। तुला राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। आज के दिन कई पहलुओं को सुधारने के लिए शुभ स्थिति बन रही है, अचल संपत्ति व जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य से संबंधित संदर्भों में सुधार और पदोन्नति का प्रबल योग बन रहा है। धनु राशि के जातक, आज दिन में संबंधित कार्य क्षेत्रों में आपको परिणाम के संदर्भ में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, आमदनी का जरिया आपका मजबूत हो सकता है, धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है, आज शुभ स्थिति रहेगी। चलिए और इसी के साथ ही आखिरी के तीन राशियों की बात करते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों को क्या कुछ खास उपाय करने होंगे। जी, आरंभ करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातक, रिश्तों के मोर्चे पर मित्रों से सलाह लीजिए, किसी खास मित्र की सलाह आपके काम आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मकर राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। पारिवारिक जीवन की सुख शांति में इजाफा हो सकता है, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ मुलाकात सुखद रहेगी, आपके कुछ कार्य पुरस्कृत हो सकते हैं, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे मीन राशि की। कार्य व व्यापार को विस्तृत करने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, कैरियर को चमकाने के विशेष अवसर की प्राप्ति होगी, आज आपको मामूली सी शारीरिक स्वास्थ्य में हानि होने की संभावना है। चलिए 12 राशियों का हाल हमने जाना, क्या कुछ करना है मेष से लेकर मीन राशियों के जातकों को वो जानकारी गुरु जी ने आपको दी, लेकिन गुरु जी राशि अनुसार उपाय तो करते हैं लेकिन लाभ कैसे मिलेगा? बिल्कुल,
जब भी हमें कोई भी उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करना चाहिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी अपनी राशि के अनुसार पूजन करें। जैसा आज हम लोगों ने कहा कि सोमवार तो सावन का अपने आप में विशिष्ट है, लेकिन यदि आप अपने अपने नाम के अक्षरों के अनुसार कुछ विशिष्ट नियमों का पालन कर लें और संध्या के समय भगवान शिव जी की आराधना करें तो और भी सर्वोत्तम लाभ होगा। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। आज सोमवार है और सावन का पहला सोमवार और आज जिनका जन्मदिन है उन सभी जातकों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी अब आपको बताएंगे कि आखिर आपका पूरा साल कैसा रहने वाला है। जी, आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है आपको लेन देन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वृद्ध लोगों का कार्य समय पर पूर्ण करना है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी फाइल समय पर आपको नहीं मिल पाएगी, ऐसा भी कभी कभी आपको महसूस होगा। थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन चिंतित नहीं होना है। बुद्धिमानी से काम लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों के साथ सैर सपाटा हो सकता है, भ्रमण का प्रबल योग बन रहा है। शेयर में निवेश करना लाभकारी हो सकता है आपके लिए। अध्यात्म व दर्शन के प्रति रुचि आपकी बढ़ सकती है। भाई बंधुओं के बीच में मामूली नोक झोंक की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। शुभ दिनांक 3, 9, 24 और 71 ये शुभ अंक रहेंगे आपके लिए। 2, 11, 20, 29, 56, 65 और 92 भी शुभ सिद्ध होंगे आपके लिए। भगवान शिव जी की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। नीला और सिल्वर ग्रे रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो आज जन्मी जातकों का पूरा साल बेहतरीन रहने वाला है, शानदार रहने वाला है, जैसे कि गुरु जी कह रहे हैं। लेकिन गुरु जी, आज जन्मी जातकों के लिए कुछ खास सावधानियां? जी, आज जन्म जातकों का जन्मदिन है, आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है ये भी मैं बता देता हूँ। पूजा में लाल फूल जरूर शामिल करिए, ये आपको अवश्य करना है। सफेद चंदन के पुष्प पूजा में इस्तेमाल करिए। पूजा के समय गूगल की धूप आपको देनी चाहिए, ये सावधानी आपको रखनी है। ये छोटे छोटे से उपाय आपको निश्चित रूप से रखने हैं। तुलसी जी के पत्तों को अपनी पूजा में अवश्य शामिल करिए और पीले रंग के आसन पर बैठ करके पूजा करिए। छोटी छोटी सी सावधानियां आप। बिल्कुल, ये तो बात सावधानियों की गुरु जी, लेकिन आज जन्मे जातकों के लिए कुछ खास उपाय? जी, आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है आपको उपाय क्या क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। उपायों में बेलपत्र की पत्तियां टूटी हुई पूजा में आपको अर्पित नहीं करना है। प्रतिदिन भोग लगाना नहीं भूलना है, भोग प्रतिदिन लगाना है आपको। किसी लंबी यात्रा पर नहीं जाना है, वो निषेध रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे पूजा पाठ में विघ्न आती है। और पूजन सामग्री में रोली अक्षत का इस्तेमाल अवश्य करिए। गाय को चने का आटा आपको खिलाना है, इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और प्रतिदिन जल से शिव जी का अभिषेक करना है। पीले लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज की लकी कुंडली देख लेते हैं। सबसे पहले लकी कुंडली किसकी है उस पर नजर। बेबी की लकी कुंडली है राजधानी लखनऊ से। बेबी जी आपकी कन्या लग्न है और लग्न स्थान पर बृहस्पति विराजमान है। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश होकर के दशम भाव पर विराजमान है। आपको एक हीरा नाम का रत्न धारण करना है और इससे आपके निजी जीवन में और आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। और इसी के साथ ही दूसरी लकी कुंडली है दीपक की राजधानी लखनऊ से। दीपक जी आपकी धनु लग्न है और लग्न स्थान पर शनि विराजमान है। आप मकर राशि के जातक हैं। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप लग्न कुंडली से मांगलिक भी हैं। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए और हनुमान जी की आराधना करिए। बिल्कुल, तो ये तो बात लकी कुंडली की भी, लेकिन गुरु जी इससे पहले हम बात कर रहे थे आज के सोमवार की, क्योंकि सावन का सोमवार है तो लिहाजा जिक्र करना लाजमी है। एक आम सवाल ये भी कि कहा यह जाता है सावन के सोमवार को लेकर कि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही आज का व्रत रख सकती हैं, उपवास रख सकती हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं वो फास्ट नहीं रख सकती, इसमें कितना सत्य? बिल्कुल, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। पुरुष हो, महिला हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। शिव जी की आराधना करने का अधिकार हर जातक को है।
इस प्रकार से बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं रख सकते या सुबह सुबह प्रातः काल पूजा पाठ नहीं कर पाए, आप संध्या के समय करिए और बिल्कुल भी निसंकोच होकर के शिव जी की आराधना करिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी बंधन बिल्कुल भी नहीं है। और एक मिथ गुरु जी ये भी है कि जब कभी कुंवारी कन्याएं अगर उपवास रख भी लेती हैं तो ये कहा जाता है कि अपने अच्छे वर के लिए वो व्रत रखे तो अच्छा होगा, उनको वर अच्छा मिलेगा, या अपने किसी ख्वाहिश के लिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना वो चाहते सच्चे मन से आराधना कीजिए महादेव की, उसके लिए सोमवार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, यदि अपने जीवन साथी के प्रति आप चाहते हैं कि अच्छा जीवन साथी मिले, क्योंकि शिव जी की आराधना में ये प्राचीन काल से ये उपाय बताया जाता है। इसकी वजह यह है कि गौरी ने, माँ पार्वती जी ने हजारों साल कठोर तप किया था और तब जाकर के भगवान शिव जी पति के रूप में उनको प्राप्त हुए। इसलिए अच्छे वर के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए तो ये उपाय हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते ही हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि केवल पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना और सोमवार का व्रत रखा जाता है। स्वास्थ्य के लिए, जीवन में उपलब्धियों के लिए, कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए, या किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपको परेशान नहीं करे, यहाँ तक कि मांगलिक दोष की समाप्ति के लिए, पितृ दोष के लिए, काल सर्प योग की शांति के लिए, या किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह गोचर या किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो, उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिले, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। बिल्कुल, और गुरु जी इसी के साथ ही क्या चढ़ावा हम चढ़ा सकते हैं महादेव को और क्या उनको भोग लगा सकते हैं? शिव जी को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भाव के भूखे हैं। बिल्व पत्र अर्पित कर सकते हैं, भांग धतूरे के पत्ते जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं वो अर्पित कर सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य या गंगा जल उनको बहुत ही प्रिय है, जल से अभिषेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो भगवान भाव के भूखे हैं, बस भाव से पूजा कीजिए, महादेव वैसे ही खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, आप ध्यान करिए और ओम नमः शिवाय, क्योंकि हम जो तुच्छ मनुष्य हैं, हम क्या अर्पित कर सकते हैं भगवान को जो तीनों लोक के स्वामी है। कोई भी पदार्थ न हमारा है और न हम अर्पित करने में भगवान को सक्षम। बिल्कुल, और गुरुजी एक सवाल ये भी कि सोमवार के दिन कहा जाता है कि अमूमन पीला ही रंग का वस्त्र जो है वो धारण करें तो अच्छा होगा, बिल्कुल, लेकिन विवाहित महिलाओं के लिए भी कहा जाता है कि हरे रंग की जो चूड़ियां है वो उनको पहननी जरूरी है। हाँ, ये एक शुभता के संदर्भ में, हरियाली के संदर्भ में शुभ रंग माना गया है, इसलिए ये कहा जाता है। धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी रंग या कोई भी जो प्रक्रिया है वो इन अर्थों में होती है कि इनका प्रकृति से जुड़ाव हो, इनका ऊर्जा से जुड़ाव हो, चित्त प्रसन्न रहे, और इसमें रंगों का बहुत ही प्रमुख योगदान होता है। अलग अलग रंग आपके चित्त की वृत्ति को प्रभावित करते हैं और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भी रंगों का प्रयोग बताया गया है, रत्नों का प्रयोग बताया गया है। जैसा हम लोग पूजा पाठ में कहते हैं कि आप मूंगा अर्पित कर दीजिए या नीलम अर्पित कर दीजिए, ये ज्योतिष शास्त्र के उपाय हैं। और एक सवाल गुरुजी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण कि जिन्होंने पहले आज तक सावन के सोमवार में व्रत नहीं रखा, जो शुरुआत ही कर रहे हैं, उनके लिए कोई विशेष तौर पर विधि विधान अलग नहीं, से कोई विधि विधान, ये मैं बारंबार कहता हूँ, शिव जी की आराधना में बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई संकल्प की इसमें जरूरत नहीं होती, कोई उद्यापन करने की जरूरत नहीं होती कि मैं पहली बार रह रहा हूं तो कोई संकल्प करना पड़ेगा, या कोई बंधन है कि चार बार चार सोमवार करनी होगी या दो सोमवार करनी होगी, नहीं, बिल्कुल स्वेच्छा से, श्रद्धा से, भक्ति से करिए और बिना किसी भ्रम के करिए। बिल्कुल, और इसी के साथ आपने कहा कि कितनी ही बार कीजिए वो मायने नहीं रखते, कोई इसमें विघ्न बंधन नहीं है। ये कहा जाता है कि 16 सोमवार का अगर व्रत रखा तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। ये एक अलग ज्योतिष शास्त्र के उपाय है कि 16 सोमवार लगातार शिवलिंग पर दही अर्पित करिए और हर हर महादेव, हर हर महादेव इस मंत्र का जाप करिए। यह अपने आप में एक अलग विशिष्ट उपाय है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है कि हर एक व्यक्ति को 16 सोमवार ही करना होगा, ना। और गुरुजी से के साथ एक सवाल ये भी कि जिनको डर लगता है, जिनको भय लगता है बहुत ज्यादा, या फिर जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, कहा जाता है कि उनको भी महादेव का ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल, शिव जी का ध्यान करने से जातक भय मुक्त हो जाते हैं,
भय हमेशा हमेशा के लिए भय से आपको छुटकारा मिल जाता है। या जिन जिन जातकों में आत्मविश्वास की कमी है उनको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और शिव जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और शिव जी का ध्यान करिए। ऊर्जा से आप युक्त होंगे और भय से मुक्त होंगे। चलिए, तमाम जानकारियां गुरुजी ने आपको दी, सावन के सोमवार को लेकर भी और राशियों का हाल भी आपको बताया। इसी के साथ ही अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो मेल आईडी के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं, गुरुजी से जुड़ सकते हैं। मेल आईडी है bhagyachakra1530@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता रहे 9565001891, इस पर भी आप संपर्क कीजिए। और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए और तमाम सावन से जुड़ी हुई जानकारियां दर्शकों को देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ ही भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।